टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, इनसाइड आवर अर्थ। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम चैप्टर्स को ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे आप उनको ज्यादा बेटर वे में ज्यादा आसानी से समझ सकें। उसी तरह से इस चैप्टर को हमने दो ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है, टाइप्स, यूजेस, रॉक साइकिल और मिनरल्स, ये क्या होते हैं। चैप्टर को एकदम लॉजिकल फ्लो में समझने के लिए ये ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होके आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप सबको मालूम है अर्थ जो है बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है, बहुत ही डायनामिक प्लैनेट है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है अंदर से भी और बाहर से भी। तो बाहर के चेंजेस तो हमको दिखते रहते हैं, आज अंदर के चेंजेस की बात करते हैं। व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ, बना कैसे। यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात बताती हूँ आपको। The earth is like an onion. Earth प्याज जैसा होता है। मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बता रहे। अर्थ का स्ट्रक्चर समझने के लिए आप अनियन को इमेजिन कर सकते हो। बिकॉज द अर्थ इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। जैसे आपने प्याज में देखा होगा ना, हर लेयर के अंदर एक और लेयर होती है, अर्थ में भी कुछ ऐसा ही होता है। और इसीलिए अर्थ और अनियन का जो कंपेरिजन है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझने में बहुत ही कॉमन है। अर्थ में बेसिकली तीन तरह के लेयर्स होती है, द क्रस्ट, द मैंटल एंड द कोर। क्रस्ट जो होता है वो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है। मैंटल मिडिल लेयर है, बीच की लेयर। और जो कोर है, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर है वो। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक आउटर कोर भी होता है और एक इनर कोर भी होता है, लेकिन चैप्टर के पर्पज से हम सिर्फ कोर पढ़ेंगे, इसमें इतना डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो अब इन लेयर्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो क्रस्ट होती है, जैसा कि हमने कहा, दैट इज द अपर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है वो। और ये सबसे पतली लेयर होती है, दिस इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये करीब 35 किलोमीटर थिक होती है कॉन्टिनेंटल मासेस के नीचे, और ओशन फ्लोर्स पे अराउंड 5 किलोमीटर थिक होती है। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा डिफरेंस है। द क्रस्ट इज थिकर अंडर कॉन्टिनेंट्स एज कम्पेयर टू अंडर द ओशन फ्लोर। जो क्रस्ट होता है उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स भी है और ओशन फ्लोर्स भी है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के नीचे क्रस्ट की ज्यादा मोटी लेयर है अराउंड 35 किलोमीटर, और ओशन फ्लोर्स के नीचे क्रस्ट की ज्यादा पतली लेयर है विच इज अराउंड 5 किलोमीटर। सेकेंड लेयर था, बीच वाली लेयर थी मैंटल। ये क्रस्ट के एकदम नीचे सिचुएटेड है और ये क्रस्ट से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 2900 किलोमीटर नीचे अंदर। सो आप देख सकते हो डिफरेंस, कहां क्रस्ट अप टू 35 किलोमीटर अपने डीपेस्ट पॉइंट पे और कहां मैंटल 2900 किलोमीटर। फिर लास्ट आता है कोर, द इनर मोस्ट लेयर। ये सबसे अंदर की लेयर होती है और इसका रेडियस होता है अबाउट 3500 किलोमीटर। अभी मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा कि रेडियस क्या होता है, फिर भी हम बता देते हैं। रेडियस मतलब वो सर्कल का जो हाफ डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। जिसको आप डबल करते हो तो सर्कल का डायमीटर मिलता है। सो रेडियस इज 3500 किलोमीटर, तो आप पता लगा सकते हो कि डायमीटर कितना होता है, 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर, ये कितना हुआ, कोई गेस कर सकता है। इसको समझने के लिए हम अर्थ पे कोई रेफरेंस लेते हैं। अच्छा, अगर आप इंडिया से ग्रीस तक जाओ, that distance is 7000 kilometers according to Google Maps. It is mainly made up of nickel and iron. जो central core है वो basically nickel और iron से बना हुआ है, और इसको हम short में कहते हैं knife. K-N-I-F-E वाला knife नहीं, N-I-F-E वाला knife. ये short form है nickel और iron के लिए। iron का जो chemical symbol होता है वो होता है Fe, तो इसीलिए nickel का Ni और iron का Fe, that becomes knife. ठीक है, जो core होता है क्योंकि वो center में है और उसके ऊपर इतना सारा material है कि कोर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सो द कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है उसपे। यहीं पे जान लेते हैं समथिंग विच इज वेरी गुड टू नो। अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है, दैट इज मेड अप ऑफ 1% क्रस्ट, 84% मेंटल एंड 15% कोर। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन कवर कर रहा है, जो मिडिल लेयर थी विच इज द मेंटल। ये नंबर्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी, स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दूसरी गुड टू नो चीज है दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। तो आप डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, चलिए फटाफट कैलकुलेट करिए। किसका आंसर आया, 12,742 किलोमीटर। हमारे अर्थ का पूरा जो डायमीटर है, दैट इज 12,742 किलोमीटर। मुंबई से दिल्ली का जो डिस्टेंस है, दैट इज 1200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो उसका 10 टाइम्स हमारे अर्थ का डायमीटर है। कुछ आइडिया लग रहा है कि ये कितना बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, मिनरल कंटेंट ऑफ द क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट है, जो अपर मोस्ट लेयर है, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स वाले क्रस्ट को, जो कॉन्टिनेंटल मास है, उसमें बेसिकली दो मेन मिनरल्स हैं, विच आर सिलिका एंड एल्यूमिना।
इसको शॉर्ट में बोला जाता है SIAL, SI फ्रॉम सिलिका एंड AL फ्रॉम एलुमिना। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से ओशन मास जब हम डिस्कस करें तो उसकी जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है सिलिका और मैग्नीशियम। ये मिलके बनाते हैं सीमा। सीमा अगर आप किसी को जानते हैं तो वो सीमा नहीं, SIMA, SI फ्रॉम सिलिका एंड MA फ्रॉम मैग्नीशियम। ये याद रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब जिनको केमिस्ट्री की नॉलेज होगी उनको लग रहा होगा भाई मैग्नीशियम का सिंबल तो होता है Mg, यहाँ पे हम MA क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे केमिकल सिंबल्स की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, उसको याद रखने के लिए इनके शॉर्ट फॉर्म्स बनाए गए हैं, इसीलिए SIMA लिखा जाता है फॉर मैग्नीशियम। यहाँ पे केमिकल सिंबल्स से कंफ्यूज मत करिएगा इनको, ठीक है। तो अब जब हमें ये सब चीजें मालूम पड़ गई तो कुछ मजेदार चीज एक बार देख लेते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। अर्थ की जो डीपेस्ट माइन है, मतलब जो एरिया हम डिग करते हैं वहां से मिनरल्स को या दूसरे रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको कहते हैं माइनिंग, आपको भी मालूम है। तो हमारी जो डीपेस्ट माइन है, जो सबसे डीप माइन है पूरे वर्ल्ड की, दैट इज सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका। और वो कितनी डीप होगी गेस करिए, सिर्फ 4 किलोमीटर डीप, ओनली 4 किलोमीटर डीप। वो हमारे लिए डीपेस्ट है, वो सबसे डेंजरस है। अच्छा कुछ और देखते हैं अब। टू लुक फॉर ऑयल, ऑयल को ढूंढने के लिए इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर डीप होल्स डिग किए हुए हैं, सिर्फ 6 किलोमीटर। और अच्छा ये दोनों एग्जांपल्स तो बुक में दिए, एक एग्जांपल अपनी तरफ से बताते हैं। सबको लगता है कि प्लेन्स जो होते हैं, फ्लाइट्स जो होती हैं, वो कितना ऊपर उड़ती हैं, कितनों को तो उसमें बैठने में डर भी लगता है क्योंकि इतनी ऊंचाई फील होती है। एक्चुअली प्लेन्स 8 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड इतनी हाइट पे उड़ते हैं, तो ओनली 8 to 12 किलोमीटर, वो भी हमें कितना ज्यादा ऊंचा लगता है। पर अर्थ का जो सेंटर है, आपको मालूम है वो कितना अंदर है। अगर अर्थ के सेंटर पे आपको पहुंचना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6,000 किलोमीटर, मतलब मोर प्रिसाइसली अराउंड 6,400, लेकिन अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 6,000 किलोमीटर डिग करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब हमें 8 to 12 किलोमीटर ही इतना ज्यादा लगता है तो 6,000 किलोमीटर क्या होता होगा, जस्ट इमेजिन। है ना मजेदार चीज। चलिए इसी के साथ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम अपने सेकंड ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स, उनके बारे में समझेंगे सारी डिटेल्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ और मजे में पढ़ाई करिए। बाय बाय।